एक्चुअली आज मैं लाहौर का जो सीक्रेट एक्सप्लोर करने जा रही हूँ उसके लिए जब मैंने रिसर्च की तो मुझे मेरे सारे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि मुझे मेट्रो बस से जाना चाहिए। तो आज मैं जा रही हूँ मेट्रो बस से और जा रही हूँ पहली बार, तो मैं थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ। तो अब देखते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मेरा टिकट और ये एक टिकट था 30 रुपीज का, 30 रुपए का। बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ मैं, जल्दी पहुंच गई लेकिन रश बहुत था, जगह नहीं मिल रही थी और मैंने काफी देर बाद बस में बैठने की जगह मिली। वो रहा दयाए रामी। तो अब मैं इस मिस्ट्री को भी खत्म करते हैं कि हम आज आए कहाँ हैं। मैं आई हूँ आज कामरान की बारादरी जो कि है वहाँ, और मैं बहुत खुश हुई हूँ देख के कि रावी में पानी है क्योंकि अब हम बोट के ज़रिए जा सकेंगे। एक्साइटिंग होगा। अब मैं बैठूँगी कश्ती में। अभी इस वक्त हूँ मैं कश्ती में और बहुत बहुत अच्छा सा है ये और पानी भी बहुत ज़्यादा है। कश्ती में बैठ के और इतना सारा पानी देख के ना मेरे जहन में गाना आ रहा है सजादरी का। हम एडिट में चला देंगे, मैं गा नहीं सकती हूँ कि मैं बहुत बेसुरी हूँ। और हम पहुंच भी गए। वाह, यहाँ पे एक छोटी सी आपको हाइकिंग भी करनी पड़ेगी और यहाँ पे आके ना ऐसे लग रहा है मैं लाहौर के मरी आ गई। बस ये है कि जूते अच्छे पहने, कपड़े इस तरह के ना पहने जो अड़ सकें, एंड यू आर गुड टू गो। ये रहा रावी चमकता हुआ धूप में और वो रही बारादरी। आते साथ ही एक सन्नाटा सा है, बहुत खामोशी है और हवा है तो सुकून लग रहा है बहुत। कामरान की बारादरी कामरान मिर्ज़ा ने 1540 में बनाई थी। कामरान मिर्ज़ा जो है बाबर के बेटे थे, बाबर वॉज द फर्स्ट मुग़ल एम्परर, तो उस हिसाब से ये जो मॉन्यूमेंट है दिस इज़ द अर्लीस्ट मुग़ल मॉन्यूमेंट इन लाहौर। तकदीर का गम दुनिया का सितम, हर हाल में सहना पड़ता है, शिकवा भी जुबान पर आते हैं, खामोश भी रहना पड़ता है। जावेद गुज्जर। टीपू सुल्तान, किसी ने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ये देख के इतना दुख होता है कि हम लोग खुद ही अपने कल्चरल हेरिटेज को ख़राब कर रहे हैं। बाकायदा दुख होता है ये जब देखते हैं हम सब। ये कोई भी दीवार ऐसी नहीं है जहाँ पे कुछ हो ना, जो मुझे जान लेता है वो मुझ पर जान देता है। क्या कहने हैं भाई के। अगर आप सब ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ये हरकतें ना किया करें, ये बिल्कुल गलत हैं और इससे कुछ नहीं होगा। पहले भी एक वीडियो में मैंने बोला था अगर आप नंबर लिख के जा रहे हैं आपको कोई कॉल नहीं करने वाला। कामरान की बारादरी, इसको बारादरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 12 दरवाजे हैं और जो कामरान मिर्ज़ा हैं वो इस जगह को यूज़ करते थे रॉयल मीटिंग्स के लिए जो मुग़ल दौर में होती थी। इसका ये लाइक ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर भी एक फ्लोर है और सीढ़ियाँ हैं यहाँ। तो ऊपर चल के देखते हैं कि क्या है। और ये भी उतनी मुश्किल सीढ़ियाँ हैं जितनी सारे मॉन्यूमेंट्स की होती हैं। ये रहा मेन हॉल। कामरान की बारादरी बिल्कुल भी अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रेस्को वर्क नहीं है,
कामरान की 12 दरी डैमेज हुई थी 1958 में जब बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए थे, और फिर 1989 में इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था। तो अब अल्लाह ही जाने कि इसकी ओरिजिनल बिल्डिंग कैसी थी। जैसे वक्त गुजरता गया दरिया भी अपना रुख बदलता गया। अब ये बारह दरी ऑलमोस्ट एक आइलैंड पे है, क्योंकि इसके तीन साइड पे तो पानी है मगर उस साइड पे एक सड़क बन गई हुई है। मुगल्स ने तो इसको यूज़ किया था अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए, फिर आ गए अंग्रेज़, अंग्रेज़ों ने इसको एक टोल हाउस बना दिया था। जब यहाँ दरिया में कश्तियाँ चलती थी तो तब उस वक्त में ये टोल हाउस था, और अब हमने इसको बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं कराई है, ये बिल्कुल एक साइड पे पड़ा रह गया। यहाँ पे कोई रिस्टोरेशन वर्क नहीं हुआ हुआ और यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं हमें मिले। हालांकि ये एक बहुत खूबसूरत जगह है, अगर आप यहाँ पे आते हैं बोटिंग करके और यहाँ पे आके आप इंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ मज़ा कर सकते हैं। ये रहा वाटर पॉन्ड। जैसे हमें पता है, हमने बाकी पिछली स्ट्रक्चर्स में भी देखा है कि हर मुगल स्ट्रक्चर में एक वाटर बॉडी ज़रूर होती है। अब हमने ऊपर से तो देख लिया है, अब देखते हैं कि बाग कैसा है। ये है पॉन्ड, और आई एम प्रिटी श्योर यहाँ पे फाउंटेन्स भी होते होंगे। अपने दौर में ये कितना खूबसूरत जगह होती होगी। ये हैं वाटर चैनल्स, जैसे कि शालामार गार्डन्स में भी देखे हमने। अगर आपने नहीं देखे तो जाएं और मेरी पिछली वीडियो देखें। वाटर चैनल्स जो है वो मुगल स्ट्रक्चर्स का, मॉन्यूमेंट्स का एक एक स्टैंडर्ड फीचर होता था। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है यहाँ पे लोग और ज़्यादा आते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है। जो लोग करीब रहते हैं वो यहाँ पे आके पिकनिक कर सकते हैं अच्छी सी। वहाँ पे भी कुछ है, देखते हैं वहाँ पे क्या है। ओ, इधर पानी भी है, काश ये साफ होता। ये भी कुछ है लेकिन ये पता नहीं क्या है, अभी एक स्टोर रूम सा लग रहा है। अरे अल्लाह जाने अपने दौर में ये किस लिए यूज़ होता होगा। ये बारह दरी से भी ज़्यादा बुरी हालत में। ये बहुत अच्छी सी जगह है, मुझे यहाँ आके बहुत मज़ा आया। इट्स अ वेरी यूनिक प्लेस। ज़्यादा आइडियाज मैं देना तो नहीं चाहती, मगर यहाँ पे फैंसी वेडिंग हो सकते हैं, यहाँ पे फैशन शूट्स हो सकते हैं, फैशन शोज हो सकते हैं। और मुझे याद आया कि मैंने एक बोट पे पढ़ा था कि मगरिब से पहले वापस आ जाएं, क्योंकि उसके बाद आपको कोई बोट उस पार नहीं लेके जाएगी। इससे पहले कि मैं यहीं पे रह जाऊं, मुझे जाना चाहिए घर। मिलते हैं अगले सीक्रेट में, टिल देन बाय।